यहाँ पर ये सरहरी मोड़ पर मौजूद है, यहाँ पर विधानसभा शलीला लगता है ना, बालांगो विधानसभा, आप लोग यहीं के निवासी हैं जी साहब? क्या कुछ माहौल लग रहा है? माहौल तो साहब ठीक है, मान लो जो एक माहौल, कौन सी पार्टी जीत रही, किसको जिताएंगे साहब, यह चीज हमका नहीं मालूम यहाँ पर है। क्या लगता है लगे साहब, यहाँ जो ना तो उनका हम जीत रहे हैं, नहीं कौन कौन आता है, कौन आपसे कौन वोट मांगने आया? हम तो साहब कोई वोट नहीं मांगा, आदमी हैं यहाँ तो सब झंडा लगाए चले जाते। अच्छा, तो हवा में उड़ रही पार्टियाँ? जब हवा में उड़ रही, कोई 4 रोपाल, कोई 5 रोपाल। अच्छा, कोई झगड़ी जीत रहे। तो क्या लगता है कि अब वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, वोट साहब देने वाले उसको जिताने वाले हैं। आप देखा जो अच्छा आदमी लगे उनका भाई, पहले तो चुनाव नहीं किया आपने? नहीं, हम चुनाव हम किया पिछली बार किया। हाँ, पिछली बार माननीय श्री रामपाल विधायक जी का वोट दिया। अच्छा, बीजेपी अब की बार कोई चुनाव नहीं करता? इतना कोई नहीं, अब इतना सब 400-500 के आसपास जीते रहे, तो कम वाला कोई नहीं है? कम वाला कोई नहीं, हम इतने हम जब जीते ही रहे तो आप तो कोई आई है नहीं। आपके हिसाब से क्या कुछ आपने आकलन नहीं कर पाया? सब हवा उड़ रहे हैं तो जमीन पर जब कोई आई नहीं रहा है, चौराहा पर आकलन नहीं बन पा रहा कुछ। चौराहा पर चाचा खड़े, दद्दू खड़े, इधर चाचा खड़े, क्या दद्दू? आप बताओ, आप बताओ क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल ठीक है। हाँ, माहौल ठीक है। कौन सांसद बनी मिश्रिका? अब सांसद को हम नहीं बता सकते। नहीं, सांसद कौन बनी मिश्रिका ये हम नहीं बता सकते। हम यहाँ चौराहे पर दुकान किए हैं, सभी आते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। हाँ, ये हम नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आप लोग डिसाइड नहीं क्या करें? अभी डिसाइड नहीं, डिसाइड करेंगे हम 2-4 दिन के बाद। अच्छा, अभी कुछ सोचा नहीं है? अभी नहीं सोचा। चौराहे पर कोई नहीं? भाई चौराहे पर सभी पार्टी आती है, किसी से हम नहीं नहीं कर सकते। अच्छा, और डिसाइड जिसको करना है हम कर लेंगे। अच्छा, अभी और भी लोग मौजूद है, देखते हैं ये लोग क्या सोच रहे हैं। भाई कहाँ रहते हैं आप? क्या रहते हैं? जी जी जी, बताए क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, माहौल आपका बहुत अच्छा है। किसका माहौल? अरे आपकी पार्टी का। हमारी पार्टी कौन सी? हमारी तो सभी पार्टियाँ, पार्टी से जो खड़े हुए हमारी पार्टियाँ तो सभी हैं। सभी की बात करते हैं पत्रकारों के लिए, तो सभी पार्टियाँ और कोई पार्टी नहीं, हम तो निष्पक्ष बात करते हैं। बात सही, बाकी जो जो पार्टी खड़ी है इसी पार्टी का बढ़िया जा रहा है। कौन पार्टी खड़ी? अभी तो हम पढ़े लिखने पाए, पढ़े लिखे कम अंतर है। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? अभी क्या लगता है तो हम जान रहे हैं। ये लोग कौन लोग हैं? जो लोग खड़े हैं यही लोग हैं यार। ऐसे तो बहुत लोग आ जाएंगे यहाँ पर, जो लोग हैं ये कुछ तो कोई बात नहीं तुमने भाई। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, और चौराहे पर मौजूद हैं, चौराहे पर लोगों से बात करते हैं, सेवा मंच निवेदन करेंगे, आइए हमारे साथ में आइए, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के क्या हकीकत है, यहाँ के लोगों के नब्ज तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहीं पर रहते हैं बताएं क्या माहौल है मिश्रिक लोकसभा का, इसको जिताने वाले हैं? आओ आओ, खड़े हो जाए, चर्चा हो जाए। आप तरबूज खाते हो? नए नए आदमी आए, अभी नए नए दुकान खोले, हमको लोग यहाँ रहे हैं, यहाँ करके यहाँ के लोग कुछ बतियाते तो होंगे। हम लोग दुकान में बैठते रहते हैं, हम लोग क्या दुकान बेचते रहते हैं? ये मिठाई बेचते हैं, मिठाई बेचते रहते हैं। आप ये रहते हैं बढ़िया तरबूज खाते हुए आप ना माहौल दे रहे हैं, क्योंकि इस समय हो रहा है तरबूज क्या माहौल? नहीं मालूम है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उनको इंटरेस्ट नहीं है आपको लोकसभा चुनाव में? कोई नमस्कार, और क्या हाल चाल है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया, इसको जिताने वाले हैं यहाँ की जनता की बात? जनता कौन जीता? नहीं, आप कुछ लगता नहीं आपको अभी तक? हमसे राजनीति मतलब नहीं है। आपसे राजनीति को मतलब नहीं है, लेकिन वोट तो देने जाएंगे आप? नहीं, क्यों? हमारा पैर चला नहीं पाते। अच्छा, पैर में चोट टोट है कुछ? चोट है, चल नहीं पाते। अगर कोई आपको प्रत्याशी या उसका समर्थक यहाँ पर लिवाने आ जाए? हाँ, तो चले। अगर कोई लिवाने आएगा तो वोट डाल देंगे, अगर लिवाने आएगा तो किसको आप वोट डालेंगे? ये ना पूछो, फिर मन क्या क्या कहता है, क्या मन कहता है आपको, कौन सा ठीक है? ठीक है तो अच्छा, मौके जो आएगा उसको कर दिया जाएगा, अभी कुछ समझा नहीं आ रहा। चलो आगे बात करते हैं, फलवानों की बात करते हैं, यहाँ के लोगों की बात करते हैं,
जी भैया नमस्कार, भैया नमस्कार। और क्या माहौल है आजकल यहाँ, क्या सोच सोचने चल रही है? बढ़िया चल, लोकसभा चुनाव चल रहा है, बन रही है ना, तो इसको जिताने वाले यहाँ के लोग नहीं बना। 18 साल से ऊपर अच्छा फिर ही अच्छा, कोई बात नहीं, मत तो नहीं दे पाएंगे लेकिन अपना वोट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपना विचार अपनी सोच किसके प्रति जोड़े हुए हैं, अगर आपके पास आपका वोट होता तो आप इसको देते, अगर वोट होता तो कमल को देते। अच्छा क्यों देते हैं? ऐसे ही दिल कहता है, इनका भाई का दिल कहता है, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार का दिल कहता है कि इनका एक तो वोट नहीं आया, अगर वोट आया होता तो इनका दिल कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कमल को वोट देते हैं। जी भाई यहीं रहते हैं क्या आप? जी क्या नाम है आपका? सलीम तिवारी। क्या माहौल है यहाँ मिश्रिक लोकसभा में? माहौल बहुत अच्छा है। क्या माहौल है, किसका माहौल है यहाँ? सपा जीत रही है, बसपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है? जीत तो भाजपा रही है, उसे हम भारतीय सचेतना पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं? नई पार्टी आ गई क्या? नहीं अच्छा, 40 दिन है, 40 लग गया। पहला नंबर तो नशा मुक्त, जो जब हमारे देश में जब नशा ही नहीं होगा तो घर बहुत सुरक्षित रहेंगे, और जो नशा पी के जाते हैं तो पूरा परिवार खराब हो जाता है, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों को टटोलने का प्रयास करते हैं। जी भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं तो है तो आपका मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र ही बालामुख के पास रहते हैं। मिश्रिक है तो मिश्रिक लोकसभा ही ना, 5 विधानसभा इसमें आती हैं, तो क्या उधर का आपके क्षेत्र का क्या नाम है? क्या नाम है? संदीप भाई। तो बताएं कि आपके मन की क्या बात, आपकी बात किसको जिताना है? रोटी नहीं मिलता, अगर वोट होता आपका मान लो मैं साइकिल को जिताता, साइकिल को वोट जिताते। अच्छा ये बताओ अपनी बात हो जाए, हमारी आप बात हो जाए, है ना? काहे साइकिल जिताते? मैं साइकिल के बारे को बड़ा लोग कह रहे हैं, मोदी लहर, मोदी लहर नहीं, मोदी बेच रहा है सब, क्या बेच रहा है? मोदी नहीं चीज बेच रहा है, योगी क्या बेच रहा है? अरे अब हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, राशन देता हर महीने। राशन तो मैं नहीं लेता, मुझे है मेरा व्यवस्था तो करा रहा है, लेकिन मैं नहीं हो जाता। क्यों नहीं लेते इतना कहे भाजपा सरकार से आपको है करना? मेरे उधर जो है पंडित ठाकुर हम लोगों को सताते हैं। अच्छा ऐसी बात है, और क्या? तो क्या ये जो बीजेपी पार्टी है वो तो पंडित ठाकुरों की पार्टी है? नहीं पार्टी तो सबकी है हाँ। मगर वो अपना जो वो है रामपाल विधायक हमारा बिरादरी है, मगर वो हमारी सुनता नहीं है। अच्छा हाँ, कहाँ का विधायक रामपाल? वो नहीं उसका कहना, अरे वो पता है, अरे घर में आ रहा था, हम यहाँ प्रभास रहते थे मिश्रिक क्षेत्र में। नहीं ये हाँ। ये घर के पता है, ये घर के हमारे बेनीगंज के लगे हुए हैं। अच्छा उधर जिधर आप रहते हैं उधर क्षेत्र हाँ, है ना? तो वहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं ना? और उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसलिए आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते? बस सपा को वोट अच्छा क्यों देना चाहते हैं? क्या आपके सपा में सही लगती है? हमारा कहना है कि आपस में सब जन एक रहो। हाँ देखो हम तुम हिंदू मुस्लिम क्या है, देखो हिंदू का मतलब है ठाकुर पंडित एक में है, ये चीज सबको आपस में चलते हैं। अब कह रहा है तू पासी है, ये चमार है, वो रैदास है, ये ऐसे क्या होता है? आपका मतलब ये है कि जातिवाद फैलाते हैं इसलिए आपको कष्ट है ना? तो दर्शकों कहीं ना कहीं जातिवाद वाली बात लोगों को पसंद नहीं आ रही। यहाँ पर एक बहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे जरा बात करने की बात करूँ मैं। बहन जी नमस्ते, आप भी 13 तारीख को वोट तो डालेंगे ही, तो कैसा वोट देने वाली हो? नहीं हमारा नहीं बताना, आपके आपके जो मन की बात हो बताओ। मन की बात का हमका कर लो मैं गया, ये डरने वाली चीज नहीं है। मैं अब जाए कुछ मन में नहीं आ रहा, ये डरने वाली चीज नहीं है। वीडियो बना पहले कहीं कवर दिन तो पहले अपने मन की बात बता बहन जी, किसको देना चाहती हो? कमल साइकिल माहौल में लोग मनाई लड़का डाल देते हैं, डाल दे। अच्छा जी का मनाई लड़का डाल दे,
मैंने लड़का अगर उठना डालने जाए तो नहीं लड़का नहीं और मेरिया कोई चर्चा नहीं हुई अभी आपकी कोई बात हुई नहीं अरे टाइम नहीं है बात करने का अभी ये लोग बिजी हैं कहीं ना कहीं और लोगों से बात करते हैं जी चलो तो इस तरीके से हम लोग यहाँ इस समय मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं यहाँ पर लोगों को टटोलने का प्रयास कर रहे थे लोगों के मन की बात को जानने का प्रयास कर रहे थे कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी मन की बात रखी कुछ लोगों ने कहा कि अगर हमारा मत होता तो हम इस पार्टी को देते कहीं ना कहीं हर कदम पर अगर लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है तो उसका असर पड़ता है कुछ लोगों ने कहा कि लोग ऐसे फर उठते चले जाते गाड़ियों में बैठे चले जाते हैं उनसे बात ही नहीं करते ये भी लोगों की एक शिकायत है लोगों से बात न करना मतदाताओं से बात न करना हालांकि इतना बड़ा लंबा क्षेत्र है कि प्रत्याशी हर मतदाता से बात नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जमीन को पकड़ के ही चलना चाहिए मतदाताओं से मिल करके चलना चाहिए ऐसा कुछ किसी मतदाता के मन में ना आवे कि उनसे बात ही नहीं कर रहा प्रत्याशी अब वो किसके लिए मतदान करे किसके लिए घर से बाहर जाए किसके लिए समय निकाले ये सोचने वाली बात है तो इस तरीके की लोगों के व्यूज को जानने के लिए लोगों के मन की बात को जानने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज़ के साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस प्रकार की खबरें आपको मिलती रहे मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से त्रिपाठी रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट समाचार।